दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाटू का मेला आज 15 तारीख है, यहाँ से ले सकते हैं आप मंदिर जाने के लिए प्रसाद देखते हैं बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी मैं हाटू मंदिर के लिए जा रहा हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा ट्रैफिक लगा है और आज है हाटू मेला। तो ये आप सड़क देख सकते हैं, यहाँ से सीधे मंदिर की तरफ सड़क जा रही है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से नारकंडा के लिए सड़क और ये इस तरफ को थानादार सड़क यहाँ से जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ियों की कितनी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। आज है मेला तो दोस्तों यहाँ पे जाम लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो मंदिर के ऊपर को गई है। तो आप यहाँ पे रास्ता देख सकते हैं काफी नैरो है। दोस्तों यहाँ पे पास लेने के लिए जगह नहीं होगी इसलिए अभी इन गाड़ियों को नीचे यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद में जब तक वो गाड़ी ऊपर से वापस आएगी तब ये नीचे से गाड़ी ऊपर की ओर जाएगी। तो बेहतर रहेगा दोस्तों अभी हम यहाँ से ट्रैक करके जाएं। दोस्तों 3400 मीटर के आसपास हाइट है और हम करीब 2700 मीटर से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। दोस्तों सामने बिल्कुल ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये रहा माता हाटू का मंदिर। दोस्तों यहाँ तक जाना हमको पैदल, अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दूर होगा। दोस्तों तो अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए आपके पास। आधे रास्ते हमको मिल गई थी गाड़ी तो हम बाय कार यहाँ पे पहुँच गए और ये सामने दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं हाटू मंदिर और यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है दोस्तों परे पार्किंग के लिए उस तरफ में। तो ये रहा दोस्तों मंदिर सामने, तो बिल्कुल हम टॉप पे पहुँच गए हैं और चलते हैं अंदर माता के दर्शन कर लेते पहले। दोस्तों स्टॉल वगैरह जितने भी झूले वगैरह वो नीचे की ओर लगे हैं तो यहाँ तो थोड़ा फ्री स्पेस दिया गया है लोगों को दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों और यहाँ नीचे भंडारा हो रहा है दोस्तों, देखो। अभी दोस्तों मैं हूँ हाटू मंदिर में जो कि माता काली का मंदिर है। दोस्तों लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई है जो कि 11,052 फीट है। दोस्तों पांडवों को ज्ञातवास हुआ था तो उस टाइम उन्होंने अपना समय यहाँ पे बिताया था। तो एक भीम चूल्हा यहाँ पे एक जगह है यहीं पे दोस्तों पास में जहाँ पे पांडव अपना खाना बनाया करते हैं। और दोस्तों ये भी बताया जाता है कि जो मंदोदरी है जो रावण की पत्नी थी वो यहाँ पे माता के दर्शन करने आया करती है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये यहाँ पे है भीम चूल्हा, जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पे अपना समय बिताने आए थे तो उस समय वो इसी पे अपना खाना बनाया करते थे ऐसा माना जाता है। दोस्तों देख सकते हैं आप व्यू यहाँ से और नीचे देखिए आप ये लंबे लंबे तोष राई कायल और बान के पेड़ बहुत ही अद्भुत। दोस्तों तो दूरी का अंदाजा है आप हाटू मंदिर से लगा सकते हैं, शिमला यहाँ से 71 किलोमीटर और नारकंडा यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाटू का मेला आज 15 तारीख है और ये मेला आप लगा यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें आप यहाँ पे लगी हुई देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 3 गेंदों से एक गिलास गिराने, अगर आपने 3 चांस में गिरा दिए तो 200 रुपए आपके, निशाना लगाओ इनाम पाओ, अरे यार रिंग डालो इनाम निकालो। यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए आप देख सकते हैं। ये रहा हाटू मेला, फट्टी के अंदर आने पर मिलेगा, हाथ से फेंका हुआ रिंग वापस नहीं मिलेगा। क्या बात है दोस्तों, देखिए ये क्या खेल है, ये भी अच्छा फुटबॉल वाला है। देखिए दोस्तों आप टैटू छपवा सकते हैं, देसी टैटू, पर ऐसे टैटू दोस्तों कभी ना छपवाइए। देखिए कोबरा इन सेंट का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, इसके सामने बड़े बड़े सेंट वगैरह फेल है। देखिए क्या बात, बहुत खूब दोस्तों बहुत खूब। तो मैं हूँ हाटू मेले में, आज 15 तारीख है और आप ये स्टॉल यहाँ पे लगी हुई देख सकते हैं। काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है, मेले का तो आपको पता ही है एंजॉयमेंट को दोस्तों हर जगह से यहाँ पे होता है। इतना बड़ा मेला नहीं है लेकिन फिर भी पर्याप्त दोस्तों काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, छोटे छोटे स्टॉल्स और कपड़ों की, कोई यहाँ पे टैटूज की, तो कोई यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की। इसके बाद में आइए जरा मेरे साथ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों हाटू मेला समर टाइम के समय में चलते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान, लेडीज का सामान। तो हम बढ़ जाते आगे, उसके बाद ये रहे बच्चों के खिलौने वगैरह। अगर दोस्तों देखिए आपको कवर के लिए दुकान जाने की जरूरत नहीं, आप मेले में ही चले जाइए, वहीं पे आपको कवर मिल जाएंगे। दुनिया के किसी भी फोन के कवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो एप्पल का हो चाहे वो वन प्लस का हो। तो दोस्तों मेलों में आप ऐसी घड़ियों से सावधान रहे। तो दोस्तों ये चश्मे ये भी आप ले सकते हैं, मैं आपको फ्री में दिलवा सकता हूँ।
टी शर्ट कितनी की? 300 का दो जोन सामान। ये देखिए दोस्तों कितने मजे ये बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों आप इसमें चाहे जैसी मर्जी गुलाटी मारिए, आपको चोट नहीं लगेगी और आपको बहुत ही मजे आएंगे। ये झूला आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको पूरी झलक मेले की दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये रहा हाटू मेला, बहुत खूब दोस्तों बहुत खूब। और ये देखिए ये झूला दोस्तों, और इतना बड़ा नहीं है लेकिन चलता है दोस्तों, ऐसी जगह में तो इतना ही हो पाएगा। और यहाँ पे बच्चे मजा लेते हुए, क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा मजा चल रहा है यहाँ पे, वेरी नाइस। ये देखिए दोस्तों क्या बात है, यहाँ पे WWE मूव्स का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ से ले सकते हैं आप मंदिर जाने के लिए प्रसाद, और ये देखिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये रहा है स्टॉल छोटे छोटे, यहाँ से आपको मंदिर के लिए प्रसाद मिल जाएगा। और ये रहा मेले का वही सामान दोस्तों, आपको पता होगा जहाँ भी आप मेले में गए होंगे तो इसी प्रकार का सामान यहाँ पे मिलता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जलेबी, मिठाइयाँ और बहुत सारे अलग अलग पकवान, छप्पन भोग, और ये गधा, और ये रहे कुछ अनसुलझे रहस्य। और ये फ़ोन का दोस्तों आपको पता होगा, ये फ़ोन बचपन में दोस्तों इसका हम कितना प्रयोग किया करते थे, और लेज़र लाइट्स। और ये गेम भी आपको पता होगी दोस्तों, इसको रिंग को इसके अंदर डालने पड़ते थे तीर के अंदर में। इतना ही है दोस्तों यहाँ पे, उतना भी बड़ा ये मेला नहीं है लेकिन जितना भी है पर्याप्त है दोस्तों, काफ़ी सुंदर है माता हाटू मेला। तो अभी फिलहाल हम वापस की ओर जा रहे हैं नीचे नारकंडा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। ये देखिए मेरा भाई मजे मारा दोस्तों यहाँ पे।